कहीं संगलाख पहाड़ और बहते चश्मे तो कहीं कुदरत के हसीन नजारे। यह है बलूचिस्तान की सरजमीन जिसकी खूबसूरती से मानो जन्नत का गुमा होता है। चहचहाते चरिंद परिंद अपनी सुरीली आवाजों में लोगों को इस हुसन के नजारे की दावत देते हैं। फूलों की कलियों को जब हवाएं बोसा देती हैं, तो ये कलियां हवा के दामन को महका देती हैं, जो पूरी फिजा को मुअत्तर कर देती है। मगर ये हसीन नज़ारे जिसमें कुदरत ने तो कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन इसके तहफ़्फ़ुज़ और इसकी रानाई की निगहदाश्त में हमसे बहुत सी कोताहियां हो रही हैं। अमन अमान की बिगड़ती सूरतेहाल की वजह से ये नज़ारे सयाहों की नज़रों और तारीफ से महरूम हैं। मुनासिब सहूलियात ना होने की वजह से अहले बलूचिस्तान भी इन नज़ारों से सवाबदीद हासिल नहीं कर पा रहे। अवामी हलकों का कहना है कि अगर बलूचिस्तान के नज़ारों को तहफ़्फ़ुज़ और इसकी खूबसूरती को सहूलियात से निखारा जाए तो सयाहत के मौके सूबे की मईशत में इस्तेहकाम पैदा कर सकते हैं। कैमरा टीम के साथ किफायत अली, 92 न्यूज़, क्वेटा।